हमने ये श्रवण किया कि भंडारेकार ने भगवान को अपना जीवन कैसे समर्पित किया। हमने ये देखा कि भंडारेकार के जीवन में ऐसा क्षण कैसे आया, तो हमने साधा के जीवन के बारे में जाना कि जब तक आदमी सहज नहीं होता, जब तक आदमी साधा नहीं होता, तब तक वो भगवान के श्री चरणों का अनुभव नहीं ले सकता। और हमने कल ऐसे भक्त के बारे में जाना जो भक्त आयु में बहुत छोटा है, परंतु फिर भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की कृपा का वो पात्र बना, ऐसा चांद्रदेव भट्ट। ये सभी पात्रों को श्रवण करने का उसके पीछे एक रहस्य है कि हम ऐसा श्रवण क्यों करें, क्योंकि श्रीमद् भागवत में रुक्मिणी जब भगवान श्री कृष्ण को लिखती है पत्र, वो कहती है कि हुण आमी कुंडला माले पिता मेरे ने मन में विचारा भजल रुक्मण कृष्ण प्यारा, भाई मेरे ने जुलम कमाया, भाई मेरे ने जुलम कमाया, शिशुपाल ब्यावण आ गया, वो उस पत्र में लिखती है कि मैंने आपके गुणों का श्रवण किया और तब मेरी ऐसी अवस्था हुई कि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा वरण कर लें। रविंद्रनाथ टैगोर अक्सर एक बात कहा करते थे, कहते थे कि मैं भगवान को वरण कर लूं, ऐसी मेरी योग्यता नहीं है, ऐसी मेरी पात्रता नहीं है, भगवान ही मेरा वरण कर ले, भगवान ही मुझे चुन ले। तो यही उनकी कृपा का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इन सभी पात्रों को हम जानते हुए उनकी जो जीवन शैली थी, जिस शैली से भगवान को वो प्राप्त हुए, उस शैली को हम अपने जीवन में उतार सके, इसके पीछे का मुख्य लक्ष्य यही मात्र केवल है। और आज हम ऐसे ही एक और पात्र को जानने का प्रयास करेंगे कि वो आया भगवान के पास अपना दुख लेकर, लेकिन जब गया तो उसका दुख तो समाप्त तो हो ही गया, लेकिन दुख के साथ साथ भगवान ने उसको वेद भी दिया, बोध भी दिया, और आखिर में वो हमारे संप्रदाय के चतुर्थ अधिकरण बने, जिनका नाम था भाई देवव्यास। साधनदाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु एक दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं कि पुरुष के उद्यम से, पुरुष के प्रयत्न करने से पुरुष सब कुछ ही प्राप्त कर सकता है, जैसे समुद्र का दृष्टांत देते हैं भगवान।
भगवान कहते हैं कि चार व्यक्ति आपस में मित्र थे। मन में उन्होंने विचार किया कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे लगे कुछ नहीं परंतु प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाए। तो चारों ही एक बार बैठे हुए मन में विचार किया कि ऐसा कोई भी काम नहीं कि जिसमें कुछ ना कुछ भी खर्च ना करो लेकिन फिर भी उसमें हमारे को प्रॉफिट हो। तो उनके मन में एक बात याद आई, कहा कि समुद्र में तो सभी रत्न रहते हैं, चलो हम रत्नों का काम करते हैं जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, हमारा ही प्रयत्न होगा और हम वहां पर जाकर के उन रत्नों को प्राप्त करेंगे, उन रत्नों को बेच करके अपनी जीवन की याचिका चलाएंगे। ऐसा विचार करके चारों ही मित्र समुद्र के पास पहुंच गए। एक आदमी ने डुबकी लगाई, उसको सिप्पियां मिल गई, कौडियां जिसको बोलते हैं, सिप्पियां और कौडियां लेकर के वो बाहर निकला। उसी में संतुष्ट हो गया, कहा कि अब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे ये मालूम हो गया कि इतना गहरा जाना है और इतनी गहराई के बाद मुझे सिप्पियां कौडियां मिल जानी है और इससे मेरा जीवन यापन जो है ये बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। दूसरा व्यक्ति अपने मन में विचार करता है, कहा कहता है कि इस समुद्र में माणिक मोती भी हैं। वो माणिक मोतियों को लेने का प्रयास करता है और थोड़ा और गहराई में जाता है। थोड़ा और गहराई में जाने के बाद वो उन माणिक मोतियों को प्राप्त करता है और उसी में संतुष्ट होकर के अपने घर की तरफ चला जाता है और उसी माणिक मोतियों का व्यापार करना शुरू कर देता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो अपने मन में विचार करता है कि जिंदगी में एक ही बार काम करना हो और सारी जिंदगी खा करके बैठ करके खाऊं, ऐसे अनंत रत्न भी समुद्र में हैं। वो और गहरा जाता है, माणिक मोती वाले से भी गहरा जाता है, सिप्पी कौड़ियों वाले से भी गहरा जाता है और आखिर में उसको अनंत रत्न मिलता है। एक रत्न मिलता है एक ही, और वो उस अनंत रत्न को लेकर के राजा के पास जब जाता है तो राजा जौहरी बुलाता है। राजा कहता है कि देखो इसका क्या मूल्य हो सकता है। और जब जौहरी उस अनंत रत्न को देखता है और कहता है कि राजन इस रत्न का कोई भी मूल्य नहीं, ये अमूल्य है और कोई भी व्यक्ति अगर इसका मूल्य लगाएगा तो उसकी जीभ झड़ जाएगी, ऐसा ये अमूल्य रत्न है। राजा उस व्यक्ति के ऊपर खुश होकर के वो रत्न तो उसके पास रहने ही देता है, उसके ऊपर खुश होकर के उसे धन देता है। अब वो व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है अपने रत्न को एग्जीबिशन में रखता है और वहां से उसको बहुत सारा धन मिलता है, वस्तु भी उसके पास रही और उसका धन भी उसे प्राप्त होता रहा। बाकी के जो कोई सिप्पियां कौड़ियां लेकर के गया, बहुत दिन तक चली, एक पीढ़ी ने खाया लेकिन दूसरी पीढ़ी को फिर प्रयत्न करना पड़ा, माणिक मोती वाले की दो पीढ़ियों ने खाया, तीसरी पीढ़ी को फिर प्रयत्न करना पड़ा, लेकिन जो अनंत रत्न लेकर के आया उसकी अनंत पीढ़ियां उसी रत्न से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। भगवान श्री चक्रधर प्रभु ये दृष्टांत देकर के हमें यही समझाना चाहते हैं कि परमात्मा उसी तरह से, ये जीव भी परमात्मा के पास अनेक प्रकार की फरियादें लेकर के आता है, अनेक प्रकार से। भगवान का भक्त भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो मुझे नहीं मानता, जो मुझे नहीं भजता। प्रत्येक जीव जो है वो भगवान को मानता है, चाहे वो नास्तिक हो चाहे वो आस्तिक हो। भगवान कहते हैं नास्तिक जो है वो ये कह देता है कि मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन
अदृश्य रूप में अगर देखा जाए तो वो भी भगवान को मानता है, लेकिन ये कहता है कि मैं उसके अस्तित्व को नहीं मानता। भगवान कहते हैं कि कोई ये जीव इस संसार में परमात्मा के पास आता है और कोटियां सिद्धियां लेके चला जाता है। जैसे दादोस भगवान के पास आते हैं और भगवान से बस यही केवल चाहते हैं कि भगवान मुझे ये देवता चक्र निरूपण कर दीजिए। विषय में इसवी आज का वो इसवी गांव जहां पर दादोस एक बार भगवान का पूजन करने के लिए आए, भगवान को मिलने के लिए आए, भगवान के पास आते हैं और भगवान को कहते हैं कि महाराज, भगवान का उस समय तालाब के किनारे पर आसन है और उस तालाब में कमल खिले हुए, कमल के फूल खिले। दादोस भगवान को खुश करना चाहता है, वो क्या करता है, वो भगवान को विनती करता, महाराज मैं आपकी कमलों से पूजा करना चाहता हूं, कमल के फूल आपको चढ़ाना चाहता हूं, आज्ञा है? भगवान कहते ठीक है करो। गया तालाब में, उतरा तालाब में, कमल के फूल तोड़े और भगवान के आठों ही अंगों के ऊपर वो कमल का पुष्प रखता है। और ऐसे भगवान सपूजित हैं और भगवान जानते हैं कि ये भक्त कुछ लेने की चाह से ये पूजन कर रहा है। भगवान दादोस को कहते हैं कि दादोस पूजन बहुत अच्छा करते हैं। वो कहता महाराज आपसे एक छोटी सी विनती भी है। भगवान कहते ठीक है क्या है? वो कहता है महाराज मुझे आप देवता चक्र निरूपण कर दीजिए, निरूपण कीजिए। उस समय भगवान दादोस को कहते हैं कि दादोस हमारे पास एक ब्रह्म विद्या भी है, अगर तुम वो चाहते हो तो हम तुझे वो भी निरूपण करेंगे। वो कहता है नहीं महाराज मैं तो केवल देवता चक्र ही जानना चाहता हूं। भगवान ने उसे देवता चक्र निरूपित कर दिया और वो उसी से अपना जीवन यापन करने लगा। समुद्र भगवान है, भगवान के पास सभी कुछ है, परंतु वही बात आई कि हमारा पात्र कितना बड़ा है। बरसात आसमान में से बरसात गिरती है, पानी गिरता है नीचे, कोई बाल्टी लगाता है, कोई मग लगाता है और एक टैंकी लगाता है, किसी का पात्र बहुत बड़ा हो उसी पात्रों को सभी पात्रों को भर देता है। बरसात तो एक समान गिरती है परंतु उसके पात्र के अनुसार ही गिरती है। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बहुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। हम यही सोचते रहते हैं कि कहीं भगवान मुझसे मैं पल को ना खरीद ले ले। और भगवान श्री चक्रधर प्रभु यही चाहते हैं कि तू ऐसा बन कि तेरी जो मैं है, तेरी जो अहंता है, उस अहंता को छोड़ करके मेरे पास आ। और जब तक तू अहंता को नहीं छोड़ता, जब तक तू मेरे सामने नहीं आता, तेरे आगे मस्तक मैं कैसे उठाऊं, नजर ऊंची कर कैसे दृष्टि मिलाऊं। उदार है तू, दोष मेरे भुलाकर क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको। भगवान कहते हैं कि जब तक तू मेरे सन्मुख नहीं आता, बात आई सन्मुख होने की, हम भगवान के सन्मुख, हम भगवान से हमेशा पीछे रहते हैं। यही कारण है कि भगवान वो बरसात जो है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ पाती।
वो ब्रह्म विद्या हमें नहीं हो पाती, हम भगवान के सन्मुख नहीं होना चाहते। और जब तक ये जीव परमात्मा के सन्मुख नहीं होता, तब तक भगवान इस जीव का पाप क्षालन नहीं कर सकते। हमारे साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का अवस्थान भिंगार प्रदेश में है। आज का जो पात्र भाई देव है, वो भिंगार गांव का ही रहने वाला है। नगर के पास भिंगार गांव, भगवान वहां पर पहुंचे तो एक माता भगवान के दर्शन करने के लिए आई। भगवान को देखा और देखते ही ये जान गई कि मेरा दुख यहां पर समाप्त तो हो सकता है। आदमी अपना दुख व्यक्त करने के लिए दूसरों को ढूंढता है। अगर कह दिया जाए एक आदमी को, विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि अगर किसी व्यक्ति को पागल बनाना हो तो उसको एक ही कमरे में एक महीने तक बंद कर दो, सभी साधन उसके पास से छीन लो, और एक महीने के बाद जब उसका दरवाजा खोलेंगे तो आपके सामने वो आदमी नहीं होगा, पागल व्यक्ति आपके सामने आएगा। क्योंकि आदमी अपना दुख व्यक्त करने के लिए दूसरे को खोजता है। और वो माता जो दुखी है वो अपना दुख किसको व्यक्त करे। ऐसा करते करते वो जब भगवान के पास आई और भगवान को देख करके उसके मन में ये बात आ गई कि मैं अपना दुख इन महाराज को बता सकती हूं, और वो अपना दुख बतलाती है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं माता, तुम दोनों ही अपने बेटों को यहां पर लेकर के आओ, और जब तुम हमारे पास लेकर के आओगी तो जो भूत बाधा से ग्रसित है उसकी भूत बाधा दूर होगी, और जो दिमाग से थोड़ा कम है उसको दिमाग आ जाएगा। कोई बात नहीं, लेकर के आओ। वो माता हर्ष से अपने दोनों बेटों को लेकर के आती। जैसे ही मंदिर के पास पहुंची तो उनमें से एक जो बेटा, जिसका नाम था लखुदेव, जो भूत बाधा से ग्रसित था, वो पीछे की ओर भागने लगा, भगवान की तरफ नहीं आता, पीछे की ओर भागने लगा। और भगवान ने उसे जाता देख भगवान स्वयं अपने आसन से उठे और उसके पीछे पीछे भगवान भागते हैं। और आखिर में भगवान ने उसको जब पकड़ा, लेकिन उसने अपना मुंह जो था वो नाली के अंदर ले लिया, भगवान के सन्मुख नहीं हुआ और भगवान ने उसे छोड़ दिया। भगवान वापस मंदिर में आए तो जो भाई देव है वो भगवान के पास बैठा। भगवान माता को कहते हैं कि माता, अगर वो तुम्हारा जो दूसरा बेटा है, बड़ा बेटा, अगर वो हमारे सन्मुख आ जाता तो उसकी भूत बाधा हम दूर कर देते, परंतु दुख की बात यही है कि जीव कभी सन्मुख ही नहीं होना चाहता, और ये भाई देव सन्मुख है, इसलिए इसको हम वो देंगे कि जो कभी किसी को दिया ना हो। भगवान के पास रहने लगा, भगवान की सेवा करने लगा। और एक रात को जब सोता है, देखिए कि भगवान ने चार प्रकार के अपने भक्त बतलाए, उन चारों ही प्रकार के भक्तों को भगवान कैसे संभालते हैं। इसीलिए परमात्मा शरणागत वत्सल है, वो अपने आए हुए शरणागत व्यक्ति को इस तरह से संभाल करते हैं जिस तरह से एक मां अपने बच्चे को संभालती है। भगवान एक दृष्टांत देते हुए कैसे संभालती है, भगवान एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि कोई एक माता है, उसके बेटे को तकलीफ हो गई एसिडिटी की, मां दूध पिलाती है, बच्चा फिर उल्टी कर देता है। थोड़ी देर के बाद मां फिर दूध पिलाती है, बच्चा फिर उल्टी कर देता है। जो आसपास की उसकी सहेलियां हैं, उसकी पड़ोसने, वो कहती हैं
कि हे मां, ये बच्चा दूध पीता है और उल्टी कर देता है, इसको दूध पिलाती ही क्यों है? लेकिन वो जो मां है, वो मां अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है, वो कहती है कि माना कि ये दूध पीता है लेकिन उल्टी कर देता है, परंतु थोड़ा बहुत तो इसके अंदर सहारा होगा ही। भगवान कहते हैं हम वैसी मां हैं कि ये जीव को हम प्रत्येक सृष्टि में जान देते हैं, लेकिन ये जीव अधमति अधगति अधरति के कारण इस ज्ञान को पचा नहीं पाता, बार बार उल्टी कर देता है, बार बार उस परमात्मा की शरणागति से विमुख हो जाता है, सन्मुख नहीं होता। हम बार बार फिर दोबारा इसे ज्ञान देते हैं, ये फिर विमुख होता है, हम इसे फिर ज्ञान देते हैं, ये विमुख होता है। और जो भक्त हैं वो भगवान को कहते हैं, महाराज ये बार बार आपकी शरणागति को छोड़ता है, आप इसे क्यों नहीं छोड़ देते? भगवान कहते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत तो इसको सहारा होगा ही। मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भूलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जीव बार बार परमात्मा से विमुख होता है, इस वजह से ये जीव भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि ये जीव सुख और दुख को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। और जो जीव भगवान कहते हैं सन्मुख रहता है, वो चाहे आर्त क्यों ना हो, वो चाहे जिज्ञासु क्यों ना हो, वो चाहे अर्थार्थी ही क्यों ना हो, भगवान कहते हैं कि उसका रक्षण मैं स्वयं करता हूं। वो किसी भी भाव से क्यों ना आया हो, लेकिन एक बार कि वो मेरा बन जाए, वो मेरा शरणागत हो। मैं एक बार इसी तरह से एक बार मेरे जीवन में भी एक ऐसी घड़ी आई कि मैंने अपने आप को अनसेफ महसूस किया। मैं बस से जा रहा था, मैंने कहा कि परमात्मा आज की घड़ी जो है वो मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ऐसे मन में विचार आ रहा है मेरे।
अभी पिछले महीने की बात है, बस में एक स्टिकर लगा हुआ था। उस स्टिकर पे क्या लिखा है, औखी कड़ी ना वेखण दे, औखी कड़ी ना वेखण दे, अपना बिरद संभाल, अपना बिरद संभाल, औखी कड़ी ना वेखण दे, हाथ दे राखे अपने को, हाथ दे राखे अपने को, श्वास श्वास प्रतिपाल, श्वास श्वास प्रतिपाल, औखी कड़ी ना वेखण दे। कि परमात्मा अपने भक्त को कभी भी संकट की घड़ी दिखाई नहीं देने देते, लेकिन वही बात कि उसके पीछे का कारण एक ही होना चाहिए, उसके अंदर केवल एक ही भाव होना चाहिए कि मैं परमात्मा आपका अनन्य हूं, मैं आपको छोड़ करके और कहीं नहीं जाने दूंगा, हाथ दे ही रखा है अपने को, श्वास श्वास प्रतिपाल है। एक बार हमारे श्री गोविंद राव महाराज बरसात के दिन थे, भगवान जा रहे हैं रस्ते से, रस्ते में जाते जाते क्या हुआ कि बहुत तेज बरसात पड़ने लगी और जो भक्त हैं वो भगवान के पीछे पीछे वो भी चल रहे थे। भगवान के मन में आया, भगवान ने एक घर को देखा, घर बहुत छोटा था, भगवान ने दरवाजा खटखटाया, खोलो दरवाजा। उस माता ने दरवाजा खोला, भगवान ने उस माता का हाथ पकड़ा, माता को कर दिया बाहर और भगवान को अंदर चारपाई लगी थी, भगवान उस चारपाई पे बैठ गए और भगवान भक्तजनों को कहते हैं आ जाओ सभी अंदर बैठ जाओ, बरसात हो रही है बाहर भीगना नहीं। और माता अपने मन में विचार करती है, कहती है कि मैं घर की मालिक हूं, महाराज मुझे बाहर कर रहे हैं और स्वयं अपने पता नहीं कौन से ये लोग हैं कि जिनको भगवान ने अंदर कर लिया और मैं घर की मालिक हूं मुझे बाहर कर दिया। हाथ दे ही रख है अपने को, श्वास श्वास प्रतिपाल है। भगवान अपने भक्त का रक्षण करते हैं, दूसरों का नहीं। जो दूसरा है, हम बार बार किसी न किसी संकट में जब घिरते हैं तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं, भगवान की तरफ नहीं देखते। भगवान कहते हैं कि यही तेरे अंदर कमी है, यही तेरे अंदर ऐसी कमी है कि जो तुझसे मुझे दूर कर देती है, और अगर ये कमी तू अपने अंदर से ये दूर कर देगा कि तुझे मैं दिखाई दूं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। हम तो एवं अहंकार के वश होकर के भगवान से विमुख हो जाते हैं। भगवान के केवल एक ही शब्द को भाई देव ने अपने जीवन में उतारा, केवल एक ही शब्द को, क्योंकि भगवान ने उस समय कुछ निरूपण तो किया नहीं। भगवान ने केवल उस माता को यह बात कही कि माता अगर तेरा बड़ा बेटा हमारे सन्मुख आ जाता तो उसकी भूत बाधा भी दूर, उसकी भी तकलीफ दूर कर देते। भाई देव ने केवल एक ही शब्द पकड़ा, सन्मुख, और उसने वही शब्द उसने पढ़ा नहीं, अपने जीवन में उतार लिया। कैसे जीवन में उतारा कि रात को वो सोता है, रात को आधी रात जब बीतती है तो उसको पेशाब आती है, भगवान को कहता महाराज मैं बाहर जाना चाहता हूं,
आवाज सुनकर के बाईसा कहती है चल मैं तुझे ले जाती हूं बाहर, और बाई देव फिर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद भगवान को उठाता है, महाराज उठिए मैं जाना चाहता हूं। बाईसा फिर कहती है चल बेटा मैं तुझे ले जाती हूं, वो नहीं उठता, क्योंकि उसने अपने जीवन में केवल एक ही शब्द उसके अंदर घुस गया कि सन्मुख। आखिर में भगवान स्वयं उठते हैं और उसको लेकर के जाते हैं, और वो पेशाब भी अगर करता है तो भगवान के सामने खड़े होकर के करता है। भगवान स्वयं उसको बाहर लेकर के जाते हैं, अंदर लेकर के आते हैं। उसके जीवन में सन्मुखता ऐसी जुड़ी कि उसने केवल एक ही शब्द को अपने जीवन में उतार लिया, और उसका जीवन कैसे बदला कि उसके मन में इच्छा निर्माण हो गई कि क्या ही अच्छा हो कि मैं भगवान के लिए कुछ लेकर के जाऊं। रास्ते में जाता है, बेरी के वृक्ष पर बेर जो है वो पक चुके हैं, कुछ नीचे गिरे हैं। नीचे गिरे हुए बेरों में से बेर उठाता है, बेर को देखता है और चखता है। जो मीठा लगता है वो अपनी बाजुओं में डालता जाता है, कमीज भी बाजू में जो जगह बची है उसमें वो बेर डालता जाता है। जो मीठे हैं वो भगवान के लिए रखता है, और जो खट्टे हैं कड़वे हैं वो फेंकता जाता है। ऐसे करते करते वो जब बहुत बेर हुए तो वो भगवान के पास आया, और भगवान के पास आकर के अपने सभी बेर जो है वो भगवान के आसन पर ऐसे रख देता है। कहता महाराज आप भी बेर खाइए। साथ में जो बाईसा खड़ी है, आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तुझे पहचानता वो भगत है जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। भाई साहब कहती है ओ बेटा ये झूठे बेर भगवान के लिए लेकर के आया है, ये भगवान के योग्य नहीं है। भगवान बीच में हस्तक्षेप करते हुए बाईसा को कहते हैं बाईसा ये बेर झूठे हो सकते हैं लेकिन इसका भाव झूठा नहीं। देखिए एक शब्द उसने अपने अंदर रखा सन्मुखता, एक ही शब्द को उसने अपने जीवन में उतारा तो भगवान उसकी झूठे बेर भी खाने के लिए विवश हो गए। भगवान उनमें से बेर उठाते हैं और अपने श्रीमुख में लगाते हैं, और बाईसा को कहते हैं बाईसा ये बेर हमारे ही उपयोग में ला। देखा भाई देव ने, मन को अच्छा लगा, कहा कि बहुत अच्छा। और दूसरी बार अगले दिन जब निकला तो चने का खेत था, चने के खेत में चने जो है वो पक चुके हैं, निकले हुए हैं। मन में विचार करता है कि भगवान के लिए चने लेकर के जाऊंगा आज, क्योंकि उसका भाव झूठा नहीं, उसकी श्रद्धा अब विश्वास में बदल चुकी है। और वो लेकर के जब आया मन में विचार करता है कि अब भगवान के लिए चने लेकर के जाता हूं। जो उन चने के ढेर में से बढ़िया बढ़िया चने जो है वो चुनता है और भगवान के लिए लेकर के आता है। हम ये कहते हैं किसी फ्रूट वाले के पास भगवान के लिए मंदिर में अगर बीड़ा चढ़ाना हो तो हम कहते हैं कि दीजिए, कोई वस्त्र संतों को महात्माओं को देना हो तो हम कहते हैं कि वस्त्र दिखाइए। दुकानदार पूछता है कि किनके लिए धोती ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं या किसी को देनी है।
हम बोलते हैं कि नहीं महात्मा जी को देने हैं, तो वो कहता कहता ठीक है फिर 75 रुपए वाली दिखाता हूं। लेकिन वो भक्त भाई देव जो है, और हम वही चाहते भी हैं, और फिर हम कहते हैं कि भगवान आप मुझे प्राप्त हो। भगवान वस्तु से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो भक्त के भाव को देखते हैं। जब तक हमारा भाव शुद्ध नहीं है तब तक भगवान हमसे बहुत दूर है। भाई देव बढ़िया बढ़िया चने आज भगवान के लिए लेकर के आया है, चुनता है उनमें से कि ये भगवान के योग्य है। और जब भगवान के पास लेकर के आता है, भगवान उसके भाव को स्वीकार करते हैं। ऐसे हमारे महाराज हैं, भगवान कहते हैं कि समुद्र के पास जो कवड़े लेकर के गया, जो सिपियां लेकर के गया, वो भक्त इस तरह के अनेक प्रकार के भक्त भगवान के पास आते हैं। उनमें से एक भक्त जो है, जो कवड़े लेकर के गया, भगवान उसको थोड़े बहुत स्थिति सुख दे देते हैं। वो कहता, वो उसी में खुश हो जाता, वो कहता कहता ठीक है जी, बहुत बढ़िया हो गया। जैसे बड़े ग्राम में हमारे महाराज का निवास स्थान, एक भक्त वहां पर, एक ब्राह्मण आया, वो भगवान को नमस्कार नहीं कर पाया, आ गया। वो कहता है, दूसरे लोग बोलते हैं कि नमस्कार क्यों नहीं करते, वो कहते कि मैं तो नमस्कार केवल अपने शिवजी जी को ही करता हूं, महादेव को ही नमस्कार करता हूं। भगवान कहते हैं कि भैया तुम्हारे को मालूम है कि शिवजी कैसे, जानते हो उनका वर्ण कैसा है, उनका रूप कैसा है? वो बोला जी महाराज जानता हूं, बतलाता है। और जैसे ही बतलाता है, भगवान इशारा करते हैं, भगवान कहते हैं वो देख शिव जी आ रहे हैं। वो देखता है, देखते ही देखते वो क्या देखता है कि मेरे सामने शिव जी आकर के खड़े हो गए। भगवान नमस्कार करने के लिए, श्री चरणों को नमस्कार करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, ऊपर देखता है तो भगवान, और बाहर जाकर के लोगों को कहता है कि ये जो महाराज है ये साक्षात महादेव है। भगवान उसको उसी में वो खुश हो गया, वही स्थिति और सुख को देख करके वो खुश हो गया। भगवान कहते हैं दूसरा भी एक उद्यमी है, दूसरा भी एक प्रयत्नशील पुरुष है जो माणिक मोती लेकर के जाता है। वो क्या, वो दृष्ट रूप पर चीजें मांग लेता है भगवान से। ये तो हुआ अदृष्ट रूप से, स्थिति जो है, सुख जो हुआ वो तो आंतरिक होता है, मन में सुख आना उसको हम बयान नहीं कर सकते। जैसे चीनी है, चीनी को हम खाते हैं, उसको हम अनुभव में ला सकते हैं, वो मीठी कितनी है हम ये शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते। लेकिन क्या हुआ, उसी तरह से माणिक मोती जो लेकर के जाता है, वो दृष्ट रूप क्रियाएं भगवान दृष्ट पर उसको वस्तुएं दे देते हैं। जैसे वो कनाशी का ब्राह्मण भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को खुश करता है, प्रसन्न करता है। भगवान खुश भी होते हैं, भगवान उसको कहते हैं कि मांग, क्या मांगता है? वो कहता है महाराज अगर देना चाहते हैं तो सुने हाथी तक भातु दे। वो ब्राह्मण अपने आप को बहुत समझदार मानता है, वो कहता है एक ही छोटी सी चीज में सभी चीजें मांग लू। वो कहता महाराज मैं अपनी नौ के हाथ से, बहू के हाथ से तक्र भात खाना चाहता हूं, बस इतना ही मांगता हूं, और हाथ में, गोदी में मेरे पोतरा होना चाहिए। भगवान कहते हैं ये तो तुझे कर्मवश से प्राप्त होंगे ही, कुछ और मांग ले। वो कहता अगर महाराज आप और खुश हैं मेरे ऊपर, तो मेरी जो रजिस्ट्री है ना, वो मैंने गिरवी रखी हुई है, कर्ज लिया हुआ है, तो महाराज अगर आप और खुश हैं तो एक और कृपा कर दो और रजिस्ट्री भी छूट जाए आपकी कृपा से। भगवान कहते हैं कुछ और मांग ले,
वो कहता बस महाराज मेरी यही मांगे। लेकिन जो भक्त है वो क्या मांगता है, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है। लेकिन उसी लीला को हम अपनी जगह पर ला करके देखें, अगर मैं खड़ा हो जाऊं, मेरे सामने अगर भगवान आ जाए और मुझे कहें कि मांग क्या मांगता है, तो शायद मैं भी यही चीजें मांगूं। क्यों? क्योंकि मैं मेरी सोच जो है, इसीलिए भगवान सन्मुखता मांगते हैं। भगवान कहते हैं तू मेरे सन्मुख रह और जब तुझे मैं ही दिखाई दूंगा तो फिर तू कोई और चीज मांग ही नहीं सकता। जैसे दृष्ट रूप क्रियाएं माणिक मोतियों की जगह दृष्ट रूप क्रियाएं भगवान से ये जीव मांग लेता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी करंजखेड़ नामक ग्राम में पहुंचे, वहां पर रहने की व्यवस्था का विचार करते हुए बाईसा ढूंढती है कि कहां पर भगवान की व्यवस्था की जाए, तो देखा कि एक घर बंद था, ताला लगा हुआ था। तो भाई साहब पूछती है कि ये घर किसका है, वो बोले कि ये घर जो है ये पानु नायक नाम के एक ब्राह्मण का है, लेकिन वो यहां पर रहते नहीं, उन्हें तकलीफ है यहां पर, इस घर में कुछ उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, इस वजह से वो अंदर गांव में रहते हैं, बाजार में उनका घर है। बाईसा वो चाबी, घर की चाबी लाने के लिए उस ब्राह्मण के घर में पहुंचती है, पत्नी से मिलती है, कहती है कि ऐसे ऐसे हमारे महाराज जो है वो आए हुए हैं, रहने के लिए हमें घर चाहिए, तो आपके घर को ताला लगा हुआ है, इस वजह से अगर आप कुछ दिनों के लिए भगवान जब तक यहां पर रहे तब तक अगर आप अपना घर भगवान को दे दें तो। वो कहती है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर उस घर में देवताएं निवास करती हैं, भूत निवास करते हैं, इस वजह से हम भी उस घर में नहीं रहते, और जब से हम उस घर में एक बार रहने के लिए गए तो हमारे को कुछ ऐसे अनुभव आए जिस वजह से हमने वो घर छोड़ दिया। बाईसा कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे को ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं होगी, हमारे साथ तो भगवान है। बाईसा ने चाबी ले ली, चाबी खोली, भगवान अंदर रहने लगते हैं और सभी लोग हैरान हो गए कि इस घर में तो एक भी रात कोई नहीं रुक सकता, लेकिन भगवान तो यहां पर खुशी से रह रहे हैं। मेरे उजड़े दिल की बस्ती में आप आते तो पाप क्यों आते, आप जिस बस्ती में नहीं बसते उस बस्ती में पाप बसते हैं। जिस घर में भगवान नहीं है उसी घर में पाप है, और जिस घर में भगवान निवास करते हैं उस घर में पाप निवास नहीं कर सकते। बाईसा रोज, अब बाईसा का उस घर में आना जाना हो गया, पानु नायक के घर रोज भिक्षा मांगने के लिए जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो माता अपना दुख व्यक्त करती है, वो कहती है कि हम बहुत दुखी हैं। बाईसा कहती क्यों, क्या बात हुई? वो कहती कि मेरे जो पति हैं उनको बात तकलीफ है, इस शरीर में तीन प्रकार की तकलीफें होती हैं, वात पित्त और कफ, ये तीन प्रकार की सामग्रियां इस शरीर के अंदर है, कोई भी सामग्री अगर घट बढ़ जाए तो ये शरीर यंत्र, ये जो यंत्र है ये बिगड़ जाता है। उनको ज्वाइंट्स की तकलीफ है, ज्वाइंट्स की तकलीफ की वजह से देख लो कि वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकते, कितना इलाज करवाया सब कुछ करवाया लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए। बाईसा काबू को परोसो है जर दे जमाने बीच,
काहू को परोसो शाह पात शाह मीत पै काबू को परोसो चार चतर चला की पै मोको तो परोसो है श्री चक्रधर महाराज पै। जो भक्त है उसका भरोसा देखिए, उसकी सन्मुखता देखिए कैसी है। और भक्त क्या कहती है, भाईसा क्या कहती है, भाईसा कहती है कि अगर ठीक होना चाहती है तो हमारे महाराज के पास इनको लेकर के आओ, हमारे महाराज के पास जो आता है वो ठीक ही हो जाता है। एक ही भरोसा, एक ही सन्मुखता उसके अंदर है। आई पानू नायक को जब लेकर के आए, उसने अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, ऐसे पांच कपड़े उसने धारण किए हुए हैं। और श्रीनगर में आपने देखा होगा कि सर्दी को दूर करने के लिए छोटी छोटी अंगीठियां होती हैं, वो अपने अंदर रखते हैं सेकने के लिए, अंदर ही सिकती रहती है। वो अंगीठियां भी उसके साथ है, क्यों? क्योंकि उसको तकलीफ है ज्वाइंट्स की, सेकता रहता है चौबीस घंटे। ऐसा वो भगवान के पास आया, एक ही दिन के दर्शन, एक ही दिन की सन्मुखता, एक ही घंटे की सन्मुखता। भगवान उसको कहते हैं कि पानू नायक बहुत दुख में है। वो कहता है जी महाराज। अच्छा, भगवान कहते हैं कि ये जो वस्त्र तूने पहने हैं ना, ये उतार दे, कोई बात नहीं। वो कहता महाराज जो हल्के वस्त्र हैं वो उतार देता हूं, लेकिन भारी वस्त्र हैं वो नहीं उतार सकता, क्योंकि तकलीफ बहुत है मुझे। भगवान कहते हैं ठीक है, फिर जितने उतारता है उतने उतार। उसने उतारे, कोई तकलीफ नहीं हुई। आखिर में जब दूसरे दिन भगवान के दूसरे दिन दर्शन करने के लिए आया, जो सिकाई करने के लिए अंगीठियां रखता था, भगवान कहते छोड़ दे इसको, तो बिल्कुल ठीक है। सन्मुखता, भगवान ने उसको ठीक कर दिया। वो आया समुद्र के पास, लेकिन दुष्ट रूप क्रियाएं ही ले गया वापस। भगवान ने उसको ठीक कर दिया। वो कहता है महाराज बिल्कुल ठीक है, आप महान हैं, बस इतना ही हाथ जोड़ करके चला गया। लेकिन भाई देवव्यास वैसे नहीं है। भाई देवव्यास सन्मुख हुए, लेकिन कुछ ऐसा भी काम कर गए जिस काम से उनको वो अनर्घ रत्न प्राप्त हुआ, जो अनर्घ रत्न का कोई भी मूल्य नहीं। वो कौन सा अनर्घ रत्न? हमारे पक्षकार कहते हैं कि अनर्घ रत्न दे भाव क्रिया। सन्मुख प्रत्येक जीव होता है, परंतु दुख ये बात का है कि थोड़ी देर बाद वो विमुख भी हो जाता है। जब उसकी तकलीफ दूर हो जाती है, वो छोड़ जाता है भगवान को। लेकिन भाई देव अपनी तकलीफ भी दूर करवाई उसने, लेकिन उस तकलीफ को दूर करवाने के बाद कुछ ऐसा कर गया कि भगवान के साथ उसका नाम जुड़ गया। कैसे? कि उसको वो भाव क्रिया जो घड़ी, जो वो बेर अपने जूठे खाता, जूठे नहीं है वो, भगवान ने उस बेरों को जूठा नहीं कहा। भगवान कहते हैं ये बेर जूठे नहीं है, ये बेर जूठे हो सकते हैं, लेकिन इसका भाव जूठा नहीं है। वो अनर्घ रत्न, वो भाव क्रिया ही हमारे शास्त्र के शास्त्र में इस प्रकार से कही जाती है कि भाव जो है वो अनियत फल दे। जो हमारा भाव के ऊपर डिपेंड है कि हम भगवान के पास से क्या लेना चाहते हैं, और भगवान भाव के बारे में बोलते हैं कि आवे जा भाव काइसिया खाना पूरे वासना प्रेम वारिया सरे। अगर हम इसको प्रेम की दे दें तो भी इसके आगे कम है, क्योंकि इसकी भाव शुद्ध है। और देखिए कि परमात्मा का सबसे बड़ा अगर साधन है तो वो प्रेम साधन है। भगवान कहते हैं कि भाव के आगे प्रेम भी गौण है। हम ये सोचने में विवश हो जाते हैं कि इस जीव को क्या दे दें, और वो भाव क्रिया भाई देव के जीवन में घड़ी। भाई देव ने वो बेर भगवान के आगे रखे, सन्मुख उसने अपनी सन्मुखता जो है वो नहीं छोड़ी। वो कहता है कि
मेरे नजदीक रहना, मेरे आस पास पास रहना, मेरे आस पास रहना। राही नया नया हूँ, हम राही बन के रहना, तुम पास पास रहना, तुम मेरे साथ रहना। हे परमात्मा, आप मेरे हमेशा नजदीक रहे, और नजदीक अगर हम करना चाहते हैं तो एक बात हम अपनी गांठ में बांध लें कि कभी भी परमात्मा से विमुख नहीं होना चाहिए, परमात्मा के हमेशा सन्मुख ही रहना चाहिए। और भक्त जो है वो भगवान के सन्मुख रहता है, इसलिए वो बहुत कुछ ले जाता है, कुछ ऐसा भी ले जाता है कि भगवान स्वयं सोच में पड़ जाते हैं कि इसे और क्या दे दूं। भगवान श्री नागदेव के ऊपर इतना प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि भगवान कहते हैं कि नागदेव को हम क्या दे दें। लेकिन आखिर में इस जीव को इतनी बड़ी चीज नहीं दी जा सकती। सुदामा क्या लेकर के आया भगवान के पास, और हम ये चीज कहते हैं कि भगवान पहले थे अब नहीं। लेकिन बात ये ध्यान रखना, सूर अनेक फिरे कन मागत, पर सूरदास सीताल कहां, ढोलक मंजीरे बजाती फिरे, मीरा मत वाली सी चाल कहां। हमारे में कमी है, हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, हम भगवान को जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, जब दुख आता है हम भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से हम सुख और दुख को प्राप्त होते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे सन्मुख रखता है, केवल एक ही शब्द भाई देव को तार गया, वो कौन सा, सन्मुख हो। सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, पाप सिंधु अघनास हूं तब ही। और भगवान कहते हैं कि जब तक तू मेरे सन्मुख नहीं आता तब तक तेरा छुटकारा नहीं है। इसलिए हम सन्मुख बने और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करें, एन दुख बिना देवी किते बहुता रुल जावा, एन सुख बिना देवी दाता तेनू भुल जावा, होण पावे सारे सुख दुनिया दे मेरी चोली, एहो आखी जावा के मैं तेरा दिता खावा, पैर सदा अपने जमीन ते टिका के रखा, उंज पावे अंबरा तो उच्चा उड़ी जावा, एहो जा सलूक मेरा दुनिया ते रवे सदा, ओ सारा जग रोवे जदों दुनिया तो जावा, ओ सारा जग रोवे जदों दुनिया तो जावा। हम भगवान से विमुख होते हैं, इस वजह से हम सुख और दुख को प्राप्त होते हैं, इस वजह से हमारा नाम भगवान से नहीं जुड़ता। और जब हम यही है कि वो भगवान से कभी विमुख नहीं हुए। श्री महिम भट्ट जब लीला चरित्र का संकलन करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं, देखिए जगह जगह जाकर के इन लीलाओं को अर्जित किया श्री महिम भट्ट जी ने, सभी लोगों के पास गए, जिन जिन लोगों के साथ भगवान ने लीलाएं करी, एक भी लीला श्री महिम भट्ट जी ने नहीं छोड़ी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं छोड़ा जिस व्यक्ति को भगवान मिले और महिम भट्ट नहीं मिले। लेकिन एक व्यक्ति को महिम भट्ट जी ने छोड़ दिया, उसके पास नहीं गए। क्यों?
क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गया है। जानते हैं उसका क्या नाम था? वो नाम था दादोस का, वो नाम था रामदेव का। जो भगवान के पास थोड़ी देर के लिए सन्मुख तो हुआ लेकिन विमुख हो गया बाद में, और जो विमुख हो जाता है